हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडुलस इंस्टीट्यूट एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विंटर 2017 एंड क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू टैकोमीटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली. अ टैकोमीटर वॉज सेटअप एट अ स्टेशन ए एंड द रीडिंग ऑन वर्टिकली हेल्ड स्टाफ आर 2.255, 2.605 एंड 2.955. The line of sight being at an inclination of 8 degree 24 minute and this is signed positive. It means it is a case of elevation. Okay, it is a case of elevation. Another observation on the vertically held staff. Staff is your vertically held, not a normally case. Vertically held class, vertically held staff ki baat ho rahi hai. Yahan par dear, staff normal nahi hai aapka. Theek hai na? At benchmark gave the reading 1.640, 1.920, 2.200. The inclination of the line of sight being plus 1 degree 6 minute. Benchmark पर जो angle of inclination है वो कितना है? 1 degree 6 minute. Calculate the horizontal distance between A and B and the elevation of B if RL of benchmark is 418.685 meter. The constant of the instrument were 100 and 0.3. So first of all we given given data aapko sabse pehle likhna hai yahan par aur dekhiye aapko yahan par diya gaya hai the constant of the instrument are 100 and 0.3. So k equal to 100 एंड कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू 0.3. मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट एंड एडिटिव कॉन्स्टेंट. के इज योर मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट एंड सी इज योर एडिटिव कॉन्स्टेंट. दिस इज योर एडिटिव कॉन्स्टेंट. जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपको कि एडिटिव कॉन्स्टेंट कितना होता है और मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट कितना होता है. मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट एंड आपको एडिटिव कॉन्स्टेंट गिविन है, साथ में आपको आर एल ऑफ बेंच मार्क गिविन है. आर एल ऑफ बेंच मार्क ऑल्सो गिविन 418.655 मीटर. दिस इज योर आर एल ऑफ बेंच मार्क एंड ऑल्सो गिविन स्टेडिया रीडिंग. स्टेडिया रीडिंग व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 8 डिग्री 24 मिनट पॉजिटिव. कितनी रीडिंग दी गई है आपको? क्या रीडिंग है? 2.255, 2.605, 2.955. स्टेडिया रीडिंग ऑल्सो गिवन. अनदर ऑब्जर्वेशन व्हेन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव 1 डिग्री 6 मिनट. इन दिस केस रीडिंग्स आर 1.640, 1.920, 2.200. ओके डियर, दिस इज द गिवन डेटा एज पर क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द एलिवेशन ऑफ बी. सो हम सबसे पहले यहां पर बेसिक कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना. टैकोमीटर में आप जानते हैं कि आप इनडायरेक्टली आप डिस्टेंस एंड एलिवेशन दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए क्या इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट है. मेन कोर कॉन्सेप्ट इज गिवन दैट व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप एट ए, दिस इज पॉइंट ए and this is your surface point B, this is your instrument position. Okay, so this is your horizontal line and इसको आपने inclined किया. This is point B. Okay. In this case, theta is given
8 degree 24 minute. Okay, and the readings are 2.955, 2.605, and 2.255. This is your upper reading, this is your middle, and this is your lower. Okay dear, so we have to calculate distance between A and B. This is your distance. Distance calculate करना है आपको, and also find out RL of B. RL of B, ये दो चीज आपको find out करनी है. RL of B find out करना है and horizontal distance find out करना है. एक observation और दिया गया है जो benchmark पर है. Benchmark के केस में आपको benchmark जो fix किया गया है, benchmark given है आपको, उस केस में आपको निकालना है कि बेंचमार्क के केस में आपको उसकी सहायता से आप फाइंड आउट करेंगे कि आर एल ऑफ बी क्या होगा. ओके डियर, अब देखिए कैसे करना है इसको. बेसिक कोर कॉन्सेप्ट इज दैट दिस इज थीटा एंड दिस इज डिस्टेंस डी एंड दिस इज वी. व्हाट इज वी? वी इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट एट मिडिल रीडिंग. बीच वाली रीडिंग से हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये आपका वी होता है. ओके, एंड दिस इज डी एंड दिस इज थीटा, थीटा दिस इज योर एल. सो इन दिस केस वी नो दैट डी इक्वल टू व्हाट? एल कॉस थीटा एंड वी इक्वल टू एल साइन थीटा. जैसे ही आप इस एल को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा. जो वी होगा ये क्या होगा? वी एल साइन थीटा होगा. ये डी क्या होगा? एल कॉस थीटा. और बाय डेरिवेशन ऑफ टैकोमीटर वी नो दैट एल इक्वल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी. सो बेसिकली इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ वी इक्वल टू, बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट डी इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा. इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस एंड वी इक्वल टू के एस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा. वी कैन राइट ऑल्सो के एस इक्वल टू साइन टू थीटा बाई टू प्लस सी साइन थीटा. आपको ये दो इक्वेशन यूज करनी है डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. और इसी के बेस पर आप क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशंस निकल के कहां से आती हैं. ओके, मल्टीप्ल केस योर मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट एडिटिव कॉन्स्टेंट. दिस इज गिवन क्वेश्चन, के एंड सी इज गिवन 100 and 0.3. थीटा आल्सो गिवन. इन फर्स्ट केस इट इज 1 degree 6 minute एंड वन केस 8 degree 24 minute. थीटा आल्सो गिवन. नाउ व्हाट इज एस? एस इज नोन एज स्टाफ इंटरसेप्ट. व्हाट इज स्टाफ इंटरसेप्ट? ये जो स्टाफ इंटरसेप्ट है ये अपर एंड लोअर रीडिंग की डिफरेंस का वैल्यू है. यू कैन से दैट स्टाफ इंटरसेप्ट इक्वल टू अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग ऑफ स्टेडियम. यहां से आप एस कैलकुलेट करेंगे. सो देखिए, फॉर इन फर्स्ट केस योर लोअर रीडिंग इज दिस एंड अपर रीडिंग इज दिस. अपर रीडिंग इज दिस, ओके, 2.955 and 2.255. एंड इन दिस केस दिस इज योर रीडिंग एंड दिस, इनका डिफरेंस जो होगा ये आपको एस देगा. इन फर्स्ट केस वी कैन राइट स्टाफ इंटरसेप्ट इक्वल टू, वी कैन माइनस, वी कैन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो, वी गेट एस इक्वल टू टू पॉइंट नाइन डबल फाइव माइनस 2.255. इट इज 0.700 meter. ओके, व्हेन थीटा इक्वल टू 8 degree 24 minute. जब थीटा आपका 8 degree 24 minute, तब एस की वैल्यू ये है. एंड सेकेंड केस एस इक्वल टू 2.200 माइनस 1.640. आपको मिलेगा यहां से
2.200 माइनस 1.640 0.560 मीटर स्टाफ इंटरसेप्ट. नाउ सिंपली पुट दीज वैल्यूज एंड फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एलिवेशन ऑफ RL. सो डियर, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन लेना है बेंचमार्क पर, क्योंकि बेंचमार्क गिवन है. बेंचमार्क इज गिवन, बेंचमार्क आपको गिवन है, वैल्यू दी हुई बेंचमार्क की. तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले कहां पे आएगा आपको? योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा आपका, वो ऑब्जर्वेशन कहां होगा? बेंचमार्क पे. और बेंचमार्क पर आप डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा. बेंचमार्क पर ओनली सिर्फ वी की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस नहीं निकाला जाता. ओनली वी कैलकुलेटेड एट बेंचमार्क. ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पॉइंट इज योर ऑब्जर्वेशन एट बेंचमार्क. बेंचमार्क में क्या निकालेंगे आप? ऑब्जर्वेशन निकालेंगे पहले. इन दिस केस व्हेन वी टॉकिंग अबाउट बेंचमार्क, RL आपको गिवन है बेंचमार्क का. RL इज गिवन 418.655. दिस इज योर बेंचमार्क, ओके. 418.685, दिस इज योर बेंचमार्क, ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट. फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग को यहां पर डियर ध्यान देना है कि हमको यहां से बेंचमार्क तो मालूम है, लेकिन हमको ये डिस्टेंस अभी नहीं मालूम है, ये डिस्टेंस, ओके. इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकालना पहला स्टेप होता है. तो लाइन ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन कैसे निकालेंगे आप? RL तो मालूम है बेंचमार्क. आप क्या करें कि V निकाल लें. V क्या होता है? मैंने बताया कि जो V होता है मिडिल वाली रीडिंग से इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लाइन तक डिस्टेंस क्या होता है? वी. वी क्या होती है? वर्टिकल इंटरसेप्ट फ्रॉम मिडिल रीडिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज योर वी. एंड आर क्या होता है? मिडिल रीडिंग से आपका बॉटम तक, दिस इज योर आर. सो हाउ यू कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ, आप कैसे निकालेंगे एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन? लाइन ऑफ कॉलिमेशन, अभी अभी इसको मैं डायग्राम से बना रहा हूं. यहां पर आप सिर्फ ये देखिए कि आपके पास ये एक इंस्ट्रूमेंट पोजीशन है और आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंक्लाइंड है इस जगह पर. यहां पर बेंचमार्क गिवन है आपको 418.685 मीटर, ओके. यहां पर एक स्टाफ लगा रखा है जहां पर तीन रीडिंग है, ओके. स्टाफ में तीन रीडिंग है. आपको मालूम है कि यहां से जो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वी. मिडिल रीडिंग से वर्टिकल इंटरसेप्ट वी, और यहां से इसको बोलते हैं हम लोग आर. तो आपको यहां पर ये निकालना है अगर RL एलिवेशन ऑफ कॉलिमेशन, तो कैसे निकालेंगे आप? आप क्या कहेंगे? बेंचमार्क का एलिवेशन प्लस RL ऑफ बेंचमार्क प्लस वॉट दिस वैल्यू आर माइनस दिस वैल्यू वी, यू गेट RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन. बेंचमार्क इज गिवन, आर इज वॉट? आर इज मिडिल वैल्यू. स्टेडिया इंटरवल में जो बीच की वैल्यू है वो क्या है? आर है. इट इज योर मिडिल वैल्यू. हमेशा आपको तीन वैल्यू मिलेंगी, एक अपर, एक लोअर, जो बीच की वैल्यू है ना वो क्या है? आपकी आर है दोनों ही केस में. अब देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दिस वी. एंड वी कैलकुलेट, वी कैसे निकालेंगे हम लोग? के एस साइन 2 प्लस सी साइन थीटा. एंड यू पद गिवन है 100, सी इज 0.3. एंड स्टाफ इंटरसेप्ट हमने निकाला, से पहले स्टाफ इंटरसेप्ट निकाला आपने,
तो आपको स्टाफ इंटरसेप्ट क्या करना है, माइनस करके निकालना है अपर एंड लोअर वैल्यू से स्टाफ इंटरसेप्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा इक्वल टू 0.5। यहां पर आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, दिस योर v डिस्टेंस और यहां हमारा ऑब्जेक्टिव अभी आरएल निकालने का है, आरएल ऑफ बी फाइंड आउट करना है। हमें मालूम बी की इक्वेशन क्या होती है, के एस साइन टू थीटा बाई टू प्लस सी साइन थीटा। इन दिस केस थीटा कितना लेंगे आप, थीटा की वैल्यू लेंगे 8 degree 24 minutes। के आपको गिवेन है 100, सी गिवेन है 0.3। ओके नाउ एस आपको मालूम है 2.955 इट इज 0.700 meters। दिस इज स्टाफ इंटरसेप्ट। आर इक्वल टू कितना होगा, आर इक्वल टू होगा 2.605, दिस इज वैल्यू ऑफ आर। आप कैसे पहुंचेंगे बी तक, आप बोलेंगे कि यहां से आरएल में अगर हम बी जोड़ दें तो यहां पहुंच जाएंगे और फिर हम अगर ये आर माइनस कर दें, आर क्या है ये वैल्यू, मिडिल वाली रीडिंग से बॉटम तक की वैल्यू होती है आर, स्टाफ जहां रखा हुआ है, मिडिल वाली वैल्यू से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वी। तो आप कह सकते हैं कि आरएल ऑफ बी क्या होगा, आरएल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो कि आपने पहले निकाला, इसमें अगर हम लोग जोड़ दें वी को और माइनस कर दें आर को तो हम कहां पहुंच जाएंगे, आरएल बी के। यहां से यहां तक जोड़ा आपने तो आरएल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन प्लस वी यहां पहुंच गए, माइनस किया आर तो यहां पे आ गए, आरएल ऑफ बी में आ गए। अगेन बाय पुटिंग दिस वैल्यू दिस वैल्यू इन वी, वी गेट वी इक्वल टू के 100 इंटू 0.7 इंटू साइन 2 इंटू 8 degree 24 minutes by 2 plus c 0.3
साइन 8 degree 24 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे वी की वैल्यू मिलेगी आपको, और जब वी की वैल्यू होगी डी, इसको सॉल्व करने में निकालते हैं हम लोग, वी की वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं इसमें 100 × 0.07 × sin 2θ/2 + 0.3 sin 8 degree 24 मिनट। इट इज 10.16 मीटर। 10.16 मीटर, दिस इज योर वी, ओके। एंड आर इज योर 2.605। नाउ पुट हेयर वी गेट आर एल ऑफ वी इक्वल टू 419.524 प्लस 10.16 माइनस 2.605। सो इट इज 419.524 प्लस 10.16 माइनस 2.655, 427। इट इज योर 427.029 मीटर। दिस इज योर आर एल ऑफ बी। ये आपका पहला आंसर है, इट इज योर फर्स्ट आंसर। आर एल निकालना था वो निकल गया, अब डिस्टेंस निकालना है तो आपको डी निकालना पड़ेगा बिटवीन ए एंड बी। सो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, डी इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा। आपको के मालूम है 100, एस मालूम है आपको यहाँ पर 0.7, थीटा कितना लेंगे 8 degree 24 मिनट, सी लेंगे 0.3। आप इसको सॉल्व करके देखिए, डिस्टेंस इज 100 × 0.7 प्लस कॉस स्क्वायर 8 degree 24 मिनट प्लस 0.3 कॉस 8 degree 24 मिनट। आप इसको सॉल्व करेंगे डियर इसको, तो इसका आंसर आएगा 68.81 मीटर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो फाइनली दो आंसर आए आपके, आपका पहला आंसर डिस्टेंस का था, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 68.81 मीटर। एंड सेकंड आंसर था इसका, आर एल ऑफ बी इक्वल टू 427.029 मीटर। क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दो इक्वेशन आपके पास है, एक इक्वेशन ऑफ बी एंड इक्वेशन ऑफ डी। लेकिन डायरेक्ट आप आर एल ऑफ बी नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको आर एल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन ना पता हो। तो पहला स्टेप होता है कि ऑब्जर्वेशन बेंच मार्क पे करना। बेंच मार्क के ऑब्जर्वेशन से आप पहला स्टेप होता है कि आप आर एल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकालें, एलिवेशन निकालें। यहां निकलने के बाद क्या करेंगे आप, अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो वी फाइंड आउट करेंगे। वी फाइंड आउट करने के बाद आप आर एल बी निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, जो मैंने यहां लिखा हुआ है आर एल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन प्लस बी माइनस आर। तो इसलिए इनिशियली आपको डियर इस वाले को पहले सॉल्व करना होता है, पहले ये निकालना पड़ता है कैलकुलेट, फिर ये आपको भाई फॉर्मूला से निकल आता है। आर मालूम है, आर हमेशा मिडिल रीडिंग होती है, क्या होती है मिडिल। तो यहाँ कुछ ध्यान देना है कि हाउ टू कैलकुलेट स्टाफ इंटरसेप्ट। तो आपको मालूम है कि जैसे से रीडिंग आपको ये जो लिखी है मैंने आपको यहाँ पर, अपर एंड लोअर को माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी, अपर एंड लोअर को आप जैसे लिखेंगे तो रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। साथ में कांस्टेंट गिवन होते हैं क्वेश्चन में, तो उस कांस्टेंट का यूज, के और सी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन होता है क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, थीटा आपको गिवन है। तो पर्टिकुलर ध्यान देना है आपको कि जिस पॉइंट पर आर एल फाइंड आउट करना है उस केस में थीटा क्या है, तो थीटा क्या था 8 degree 24 मिनट। बेंचमार्क के केस में थीटा कितना है ये पता होना चाहिए। स्टेडिया रीडिंग का यूज करके आप वी और एल फाइंड, वी और डी फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला कैसे आया, तो मैंने बताया कि जो L है आपका टैक्यूमीटर लेंथ जो है उसको रिजॉल्व किया है कंपोनेंट को, तो वर्टिकल कंपोनेंट V इक्वल टू L sin थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट D जो है आपका वो L cos थीटा है, और बाय डेरिवेशन वी नो दैट L इक्वल टू KS cos थीटा प्लस C। सो डियर, ये आप इस तरह, ये प्रीवियस ईयर विंटर समर इससे पहले कई बार भी क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट क्वेश्चन कई बार हुए हैं सेम कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसी तरह आप इनको करना है आपको। ये दोनों आंसर मैंने फाइनली यहाँ लिख दिए हैं और आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो भी प्रिंसिपल ऑफ जी इन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चंस एएमआई में आते हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊँगा, ताकि आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, ये टफ क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन होते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके डियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।